अस्सलाम वालेकुम। आज कुकटेन में हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं निहारी मसाला। वैसे तो मार्केट में निहारी मसाला रेडीमेड ही मिल जाता है, लेकिन हम इसको घर पर ही बनाएंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है निहारी के अंदर। घर के बनाए हुए निहारी मसाले की बात ही कुछ अलग होती है। अगर आपको हमारी निहारी मसाले की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल कुकटेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए। पैन को हमने गैस के ऊपर रख दिया है। एक टेबल स्पून हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे, साथ में ज़ीरा एक टेबल स्पून, सौंफ, गरम मसालों में हमने लिया है काली मिर्च, 15 से 20 काली मिर्च हैं, 8 से 10 लौंगली है, जावित्री, हरी इलायची, 7-8 हरी इलायची हैं, 3 स्टिक दालचीनी के, तेजपत्ता, इसको हम तोड़ के डाल देंगे। ये हमने जायफल लिए, इसको हमने देखिए ऐसे टुकड़े कर दिए हैं इसके। साबुत लाल मिर्च लिए, इसको भी हम तोड़ के डाल देंगे। इसके डंठल हम हटा देंगे। और इसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे हम एक खुशबू आने तक। थोड़ी खसखस भी डाल देंगे और सौंठ पाउडर डाल देंगे। इसको अच्छे से रोस्ट कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सभी मसालों की। अब हम गैस को बंद कर देंगे। मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं, थोड़ा ठंडा होने देंगे इनको। एक मिक्सर ग्राइंडर में हम सभी मसालों को पीस लेंगे। एक बारीक पेस्ट पाउडर बना लेंगे इसका हम। हमने सभी मसाले पीस लिए हैं। देखिए बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। घर के पिसे हुए मसाले की तो बात ही अलग है। अब एक सर्विंग बाउल में हम इसको निकाल लेंगे। एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर भी मिला देंगे इसके अंदर। अगर आप ज़्यादा नारी मसाला बना रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं इसको, तो इसमें आप नमक भी मिला सकते हैं ताकि ये ख़राब नहीं होगा। अच्छे से हल्दी को हमने मिक्स कर दिया है, नमक भी डाल दिया है, क्योंकि हम थोड़ा गरम मसाला इसको निहारी मसाले को एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखने वाले हैं। नमक हमने इसलिए डाला है क्योंकि ये ख़राब नहीं होता इससे। लीजिए, घर का बना हुआ निहारी मसाला तैयार है। आप कभी भी निहारी बनाना चाहें तो इस मसाले को ज़रूर डालिए, आप भी बना के रखिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल कुकटेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।